नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्याम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ श्याम योगा स्टूडियो के एक और फ्रेश वीडियो में। आप में से काफी सारे लोग हैं जो पद्मासन का अभ्यास करते होंगे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो पद्मासन नहीं लगा पाते, या फिर कई से समय तक अपने आप को पद्मासन की स्थिति में एकदम बैठकर नहीं रख पाते। तो अगर आपका भी पद्मासन काफी अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका पद्मासन मेरी तरह इस तरीके से हो, और या फिर मेरे काफी सारे स्टूडेंट जिन्हें मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ उनका भी काफी अच्छा होता है, कुछ लोग का पहले नहीं होता था, कुछ लोग की प्रॉब्लम ये आती है कि उनका पद्मासन में एक पैर तो फंस जाता है लेकिन दूसरा पैर जो हील होता है वो उठता है और आता नहीं है, या फिर आता है तो तुरंत आपका पेन होता है एंकल में या हिप में, तो वो आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको वापस अपना पैर जमीन पर रखना होता है। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो रही है तो आपके लिए काफी अच्छी वीडियो है, इसको आप एंड तक जरूर देखेगा। बात करते हैं चैनल की, तो आप इस चैनल पे कई सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जैसे हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे आप देख सकते हैं, और मैं आपको फ्यूचर में कई सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो कि आपको योगासन के संबंधित या फिर आपके शरीर के स्वास्थ्य के संबंधित काफी हद तक आपको मदद करेगी। तो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस फ्रेश वीडियो। जब आप अपना पद्मासन कर रहे होंगे तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको आती है कि आप अपने पद्मासन में अपने पैरों को फंसा नहीं पाते। इसकी वजह हो सकती है कि आपकी क्वाड्रेसेप मसल्स काफी टाइट हो सकती है या फिर आपके ग्लूट्स मसल्स भी काफी टाइट हो सकते हैं, और साथ में कई लोग के एंकल में पेन होने लग जाता है एंकल जॉइंट में, क्योंकि एंकल मसल्स की लिगामेंट्स की टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, आज कुछ ऐसे टेक्निक्स करेंगे जिनको आप प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पे, जिसके बाद आपको कई सारे लाभ भी होंगे जाते हैं। तो ये कई सारे बेनिफिट देने वाला एक आसन है, इसका अभ्यास आप जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, पहले आप एक चेयर लेंगे और चेयर के साथ आपने कई सारी से टेक्निक करनी है जो कि आपके हिप्स में और आपकी हैमस्ट्रिंग्स में और क्वाड्रिसेप्स में आपको काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी देने वाली है। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक होगी वो हमारी चेयर के साथ है, और इस टेक्निक को करने के लिए आपको अपनी चेयर का प्लेसमेंट काफी अच्छा रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस टेक्निक को आपने प्रैक्टिस करना है। तो जब भी आप इस टेक्निक का अभ्यास करेंगे तो आप अपने एक पैर को चेयर पे इस तरीके से रखेंगे और जो नीचे वाला पैर है वो भी एकदम सीधा रहेगा। अब आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि आपके दोनों हाथ आपके चेयर के ऊपर अच्छे से फिक्स हो, और फिर आप अपने स्पाइन को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए आप जमीन पे यानी कि जमीन की तरफ जाएंगे, यानी कि अपने पैर के ऊपर अपना सर टच कर सकते हैं या फिर आप वापस ऊपर थोड़ा सा रख के वापस आ सकते हैं। ये जो टेक्निक है इसको आपने कम से कम 30 सेकंड करना है, पहले एक साइड से करेंगे फिर आप इसे दूसरी साइड से करेंगे, इससे काफी अच्छा आपको स्ट्रेच मिलेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी हद तक आपकी खुलने लगेगी। अब जो आपकी दूसरी टेक्निक है ये आप चेयर के साथ करेंगे फिर से, लेकिन अब आपका जो पाव होगा वो जमीन पे रहेगा। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें, तो एक पैर आपका जब इस तरीके से चेयर के नीचे जाएगा और दोनों हाथ ऊपर रहेंगे चेयर पे, फिर लंबी गहरी सांस लेकर आपने अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड और अपवर्ड करना है, सांस छोड़े सांस ले। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी टेक्निक काफी इफेक्टिवली आपको वर्क करने में मदद करेगी, आपकी मसल्स को खींचने में मदद करेगी। जिनको पेन हो रहा होता है वो धीरे धीरे करें, आप होल्डिंग अपनी 10 सेकंड से 15 सेकंड रखें अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि आप और ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो गया है, तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक पहुंच सकते हैं। इस टेक्निक को दोनों लेग से आपने प्रॉपरली ट्राई करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की। जो तीसरी टेक्निक होने वाली है वो आपके हिप्स मसल्स पे काफी अच्छा इम्पैक्ट करेगी। इसके लिए आपने एक योगा ब्रिक चाहिए, ब्रिक के लिए आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे प्लेसमेंट करना है अपनी मैट पर। दोनों पंजों को अच्छे से आप मैट पर रखेंगे, फिर साथ में अपने ब्लॉक के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे ताकि आपके ग्लूट्स मसल्स काफी हद तक स्ट्रेच हो, और फिर आप आगे के लिए मूव करेंगे, पहले आगे फिर पीछे जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके थाइस और हिप मसल्स में काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा जिससे हिप की फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी। ये थर्ड टेक्निक का अभ्यास करते ही आपको काफी हद तक अच्छा फील होगा, आपकी मसल्स लूज फील होंगी, जो कि आप जरूर प्रैक्टिस करिए। अब आपको करना क्या है, अपनी चेयर की सहायता से अपने हिप्स को स्ट्रेच करना है। एक नी आप इस तरीके से चेयर के एज पे रखेंगे और पांव को आप अंदर की तरफ रखेंगे, फिर जो पीछे वाला पांव होगा वो आपका 90 डिग्री स्ट्रेट रहेगा, आपका नी प्रॉपर सीधा होना चाहिए। उसके बाद आप हल्का सा नी बेंड करेंगे और हिप्स को स्ट्रेच करेंगे। याद रखें दोनों हाथ अच्छे से पकड़ के रखें चेयर पे ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे, साथ में आपका जो हिप मसल है उसको लूज करने के लिए हिप्स को पूरा अच्छे से डाउन करें और फिर ऊपर जाए। काफी लोग गलती करते हैं, अपने हिप्स को नीचे तक नहीं ले जा पाते, जिस वजह से क्या होता है उनको प्रॉपर स्ट्रेच नहीं आता और सारा प्रेशर उनको नी पे आता है। तो अगर आप नी पे प्रेशर नहीं लेना चाहते तो नी के नीचे एक बार कुशन भी रखें और साथ में सारा प्रेशर अपने हिप्स पे दें,
उसके लिए आपको नी बेंड करना पड़ेगा जो आपका नीचे वाला पैर है। और जब ये टेक्निक आप कम से कम 30 बार दोनों साइड से कर ले, फिर आप रिलैक्स करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज में। तो ये सारे टेक्निक करने के बाद आपकी मसल्स काफी हद तक लूज हो जाएंगी और फिर आप जब अपना पद्मासन करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिन लोगों को भी पद्मासन सीखने का अभ्यास करने का काफी दिन से मन होगा। बिलीव करें ये सारी टेक्निक काफी इफेक्टिव है, मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाया जिनकी मदद से, जिनको खुद मदद मिली है मेरी इन टेक्निक से और आपको भी मिलेगी। ऐसे कई सारी और भी टेक्निक है जो आपका वेट कर रही है, उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में अगर आप चाहते हैं कि योग क्षेत्र में अपना करियर बनाए तो उसके लिए आप इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर योग का अभ्यास कराया जाएगा, प्रॉपर आपको प्राणायाम, मेडिटेशन, बंदा, षटकर्मास, इन सभी की बारीकी से जानकारी मिलेगी हमारे द्वारा। तो आप जरूर श्योमेगा श्रीयोग की वेबसाइट पर विजिट करें या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।